हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ सुरेंद्र। आज हम बात करने वाले जो एजुकेशन वीडियो होती है उसको लाइव कैसे करें, मतलब जो हम क्लास चलाते हैं जैसे 4 बजे 5 बजे टाइमर डाल के, तो उस टाइमर के अनुसार आप लाइव कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बताऊंगा। ये मैंने पुराने वाली वीडियो डाली थी एजुकेशन सेटअप के बारे में, उस पर आपका बहुत प्यार मिला, तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आप लाइव दो प्रकार से चला सकते हैं, एक तो कंप्यूटर में वेबकैम लगा के और एक होता है मोबाइल से। तो मैं आपको हमेशा सस्ता जुगाड़ बताता हूँ, जैसे मोबाइल से हम लाइव चलाएंगे। कोर्निया के अंदर होके ही प्रवास प्रकाश प्रवेश करता है। ये एक पारदर्शी क्या है, एक पारदर्शी भाग है जो हमारे आँख है उसके जो, और मोबाइल से आपको बेस्ट क्वालिटी देंगे और बिल्कुल भी बफरिंग और बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। तो गाइज, आपने देखा होगा कि उत्कर्ष और वाईफाई स्टेडियम में टाइमर लग जाता है, जैसे 4 बजे मैथ की क्लास है और 5 बजे इंग्लिश की क्लास है। तो जैसे 4 बजे उस टाइमर पर 4 बजे क्लास चल जाती है और लाइव चलती है जो भी, वो कैसे चलती है तो मैं टाइमर के अनुसार ही आपको टाइमर लगा के फिर उसी पे लाइव क्लास चलाऊंगा जो भी मोबाइल से। और गाइस, मोबाइल में आप लाइव वीडियो में एडिटिंग करना चाहते हो, जैसे क्वेश्चन लगाना चाहते हो, आप लाइव वीडियो में लोगो लगाना चाहते हो, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट आए आपके कि लाइव वीडियो में एडिटिंग कैसे करें, क्वेश्चन लगाए, तो वो वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं। तो गाइस, जो मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो आप 1000 सब्सक्राइब नहीं होंगे उससे भी लाइव कर सकते हैं आप बिना 1000 सब्सक्राइबर के भी। तो गाइस, आपको करना क्या है कि सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर आपको टाइमर लगाना है। तो टाइमर लगाने के लिए पहले आपको एक थंबनेल क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे हम दो थंबनेल क्रिएट कर लेते हैं, एक 4 बजे मैथ की क्लास वाला, एक 5 बजे इंग्लिश की क्लास वाला। तो 4 बजे मैथ की क्लास और 5 बजे इंग्लिश का शेड्यूल फिक्स करते हैं। तो चलिए यूट्यूब पर चलते हैं और हम एक टाइमर लगाते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम टाइमर लगा देते हैं। टाइमर लगाने के लिए मैं क्रोम ब्राउज़र में ओपन जाता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर गूगल पे आपको लिखना है, गूगल में हम लिखेंगे यूट्यूब YouTube.com और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। आप ये काम लैपटॉप से भी कर सकते हो, और इसे यहाँ पे अगर मोबाइल में करना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिएगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब ऐसा ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको जूम करना है। जूम करने पर आपको यहाँ लाइव का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ इसे टाइमर लगाएंगे। तो मैंने लाइव पर क्लिक कर दिया और गो लाइव पर करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे शेड्यूल लाइव स्ट्रीम दिख रहा होगा, शेड्यूल स्ट्रीम, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट टाइटल, पब्लिक, एड डिस्क्रिप्शन, कौन से पीपल एंड ब्लॉक्स में, डेट आएगी, टाइम आएगा और अपलोड थंबनेल में आएगा। तो हम एक एक करके लगा लेते हैं। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट क्लास मैथ, ठीक है, यहाँ से पब्लिक और अनलिस्टेड और प्राइवेट रहता है ये, तो मैं यहाँ से पब्लिक ही रहने देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी डाल सकते हो, तो मैंने अभी कुछ ऐसे लगा दिया है। यहाँ से डेट रहती है, तो डेट आप मेंशन कर सकते हो, तो मैं डेट डाल देता हूँ। और यहाँ से रहता है टाइमर कितने बजे क्लास है आपकी, तो मैं 4 बजे 5 बजे, तो मैं 4 बजे लगा देता हूँ, ठीक है। और जो आपने थंबनेल क्रिएट किया था वो यहाँ अपलोड थंबनेल, और मैंने ये मैथ्स डन कर देता हूँ। तो यहाँ थंबनेल अपलोड हो गया है, दिख रहा है आपको, और इसे नो कर देना है और क्रिएट न्यू टाइमर। तो यहाँ पे ये टाइमर ऐसा लग जाएगा आपके, इसे बेक कर देते हैं। तो क्लिक करने पे आपको टाइमर ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो मैं एक नेक्स्ट और बना लेता हूँ, इंग्लिश का बना लेते हैं। तो सेम ही वही चीज़ है, इंग्लिश, तो इसे 5 पब्लिक रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा आप, डिस्क्रिप्शन में जैसे कुछ भी डाल देता हूँ, या पीपल ब्लॉग्स की जगह आप एजुकेशन कर दीजिएगा। तो एजुकेशन ये रहा, एजुकेशन एजुकेशन क्लिक कर दिया। और उसके बाद आप ये डेट डाल सकते हो, यहाँ से मैं 11th रहने देता हूँ, और यहाँ से टाइमिंग डाल सकते हो, तो मैं इसे 5 बजे की कर देता हूँ।
और इसे नो कर देता हूँ और अपलोड थंबनेल, और थंबनेल यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा तो इंग्लिश का लगाना है, तो मैं यहाँ इंग्लिश का क्लिक कर देता हूँ और डन कर देता हूँ, और यहाँ से क्रिएट ए न्यू कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप बैक आ जाइएगा। तो जैसे आप वापस लाइव पे ओके करोगे तो ये दो इंटरफेस आ चुके हैं आपके पास, मैथ्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास। टाइमर आपको जो है यूट्यूब पर दिख जाएंगे जहाँ से लगाओगे आप, तो हम अब यूट्यूब पर देखते हैं ये वाले टाइमर। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि यूट्यूब पर हमने टाइमर लगा दिए है 4 बजे का और 1 5 बजे का, 4 बजे मैथ की क्लास है और 5 बजे इंग्लिश की क्लास है। तो गाइस यहाँ से आप मैथ्स की क्लास देख लीजिएगा, ये मैथ्स की क्लास है और लाइव चैट ही आ रहा है, और आप मैसेज करके भी देख सकते हो यहाँ पे जो बच्चे मैसेज करेंगे। तो मैसेज करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज जाएगा, ये नीचे देख सकते हो आप, और इसे यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो। इसी प्रकार मैं इंग्लिश की दिखा देता हूँ आपको, इंग्लिश की लाइव क्लास ये रही। मैं 2 क्लास इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब मैथ्स की क्लास है शुरू में, तो मैथ्स की क्लास ही चलाएंगे। तो ये मैथ्स की क्लास है, तो हम इसी टाइमर पर लाइव करके बताएंगे, तो हम इसे साइड में रख देते हैं अभी, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है और स्ट्रीम लैब ऐप डाउनलोड करना है। स्ट्रीम लैब, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है, तो मैं इंस्टॉल लगा देता हूँ। तो गाइस स्ट्रीम लैब ऐप डाउनलोड हो गया, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने पर आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा इसका। तो ये ट्विच है, यूट्यूब है, फेसबुक है और बाकी सब नीचे है। ट्विच का मतलब होता है दोनों पे एक साथ लाइव कर सकते हैं, तो मैं भी यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। तो यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद आपको ये जीमेल मांगेगा, तो जिस चैनल पे आपको लाइव करना है वही जीमेल डालनी है। तो मैं अपनी जीमेल डाल देता हूँ अभी। जीमेल डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जीमेल डालने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, तो जिस चैनल से आपको लाइव करना है वो चैनल क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरे जीमेल से 6 अकाउंट बने हैं, तो मैं SRTC से क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं इसी पे लाइव चलाने वाला हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, तो इसमें रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद स्ट्रीम योर गेम्स, गेम्स भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, और हम कैमरा करेंगे क्योंकि हमें एजुकेशन वीडियो लाइव करनी है। तो इस पर क्लिक करने के बाद इनेबल कैमरा करना है और इसे अलाउ कर देना है। इसी प्रकार इनेबल माइक्रोफोन, जो आप माइक कनेक्ट करोगे अलाउ कर देना है। करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे इंटरफेस आएगा, अगर ज्वाइन प्राइम करना है तो ज्वाइन प्राइम कर सकते हो आप, मतलब थोड़े पैसे लगेंगे, नहीं तो हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद आपको चैट, ये माइक्रोफोन का ऑप्शन है, इसे म्यूट कर दोगे तो माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं होगा, आवाज़ नहीं जाएगी। फ्लिप कैमरा, ये कैमरा पीछे का, ये बैक कैमरा है, देख सकते हो आप, मैं इसे बता देता हूँ। ये देखो बैक कैमरा है, और जो ये ऑप्शन है ये फ्रंट कैमरा भी है, ये फ्रंट कैमरा, ये बैक कैमरा है, और मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये फ्रंट कैमरा है, ठीक है। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने बाद आपको और भी ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, 3 डॉट पे क्लिक करने बाद, लेकिन मैंने हटा देता हूँ, ठीक है। और बाकी सब अगर स्ट्रीम लैब की पूरी वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपके। तो यहाँ पे जो मैथ की क्लास लाइव डाली रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, गो लाइव पे क्लिक करना है। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट ए प्लेटफॉर्म यूट्यूब क्लिक कर देना है, और नीचे जाना है और नेक्स्ट दिख रहा होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ एक्टिव इवेंट, अपकमिंग इवेंट, क्रिएटिव इवेंट है, तो मैंने जो टाइमर बनाया था टाइमर के अनुसार लगाना चाहते हो आप, तो अपकमिंग इवेंट पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट लाइव चलनी है तो एक्टिव इवेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने टाइमर लगा रखे है, तो अपकमिंग इवेंट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ अपकमिंग इवेंट कर दिया है, और नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ।
क्लिक करने के बाद आपको जो मैंने जो टाइमर लगाए थे वो दोनों टाइमर यहाँ जाएंगे। देखो मैथ्स का आ गया, इंग्लिश का आ गया। कौन सी क्लास चलानी है आपको? मैथ्स की चलानी तो मैथ्स क्लिक कर दूंगा, इंग्लिश चलानी तो इंग्लिश क्लिक कर देंगे। तो हम सबसे पहले मैथ की क्लास ऑन करके बताते हैं। तो इस प्रकार आप कितनी भी क्लास जो रहती है ना उस क्लास पर 4 बजे 5 बजे ऐसे आपने देखा होगा, तो वैसी क्लास है। तो अभी मैथ्स की क्लास चलानी तो मैथ्स पर क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे स्ट्रीम टाइटल डालना पड़ता है, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल देता हूँ, डन। ठीक है, यहाँ से गो लाइव करूँगा मैं। तो गो लाइव करने के बाद में ये मोबाइल आपको साइड में रख देता हूँ मैं, एक आपको पता चल जाएगा लाइव चलेगा तो। ठीक है, तो ये मैंने गो लाइव क्लिक कर दिया। गो लाइव क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना आप, ये अभी यहाँ पे 30 सेकेंड या 1 मिनट थोड़ा लेट चलता है ये, लेकिन ये थोड़ा वेट करोगे आप चल जाएगा। तो हम वेट करते थोड़ा, यहाँ पे ओपन हो जाएगी लाइव क्लास इसी टाइमर पे। अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हो फिर भी क्लिक करते हो आप, तो इस टाइमर को आप टाइमर से आप क्लास कभी भी चला सकते हो। ऐसे नहीं है कि 4 बजे क्लास है तो 4 बजे ऑन करना पड़ेगा। अगर आप 4-5 पे भी लेट हो जाते हो तो लेट भी ऑन कर सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ क्लिक कर दिया, ये क्लास चल जाएगी अभी। तो देखो ये क्लास चल गई है अभी, और ये कैमरा मैंने दिखाया था वो ऑप्शन है, क्लास देख ही सकते हो आप। तो मैं इसको क्लिक, थोड़ा मोबाइल ये वाला मोबाइल है वो यहाँ दूर ले जाता हूँ। ये 1 मिनट थोड़ा पीछे चलता है, तो आप देखना भी 1 मिनट। देखो एक कैमरा आ गया और बिल्कुल HD क्वालिटी में चलेगा, देखो आप बिल्कुल लाइव चल रहा है। ठीक है, नेट अच्छा होगा तो और अच्छा चलेगा। तो ये बफरिंग कर रहा है क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है, लेकिन ये बिल्कुल भी बफरिंग नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा 1 GB समाप्त हो गया है। ठीक है, और इसे आप फ्रंट कैमरा भी कर सकते हो। और अब अगर आप लाइव में लोगो और एडिटिंग लगाना चाहते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता देंगे, अगर आपके कमेंट अच्छा है तो। और इस यहाँ जो बच्चे कमेंट करके पूछेंगे आपसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप लाइव रिप्लाई दे सकते हो, या लाइव क्लास के कमेंट पढ़ सकते हो। तो ठीक है, अगर इसे अब ऑफ़ करना है तो यहाँ पे देखो ये कैमरा है पीछे का, तो मैं क्या नीचे रख रखा है मैंने, इसलिए यहाँ से आप स्टॉप पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे एंड लाइव स्ट्रीम क्लिक करके स्टॉप कर दीजिएगा। और अगर गए आपको सेकेंड क्लास चलानी तो वापस गो लाइव पे क्लिक करना है, सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब क्लिक कर देना है आपको। तो मैं यूट्यूब क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ से अपकमिंग इवेंट पे क्लिक कर देता हूँ, फिर वापस से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको मैथ्स की क्लास तो हो ही गई थी तो वो टाइमर हट जाएगा, और इंग्लिश का आ रहा है तो इंग्लिश पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। क्लिक करने बाद आपको स्ट्रीम टाइटल वही डालना है, फिर यहाँ नेक्स्ट, फिर डिस्क्रिप्शन में डालना है या डन, और गो लाइव पे आपको वापस क्लिक कर देना है। इसी प्रकार अब मैं इंग्लिश की क्लास चला के बताऊंगा आपको। तो ये इंग्लिश की क्लास है, तो भाई आप जैसा कि देख रहे हो, देखो ये इंग्लिश की क्लास वापस ऑन होगी। 1 मिनट या 30 सेकंड वेट करना, उसके बाद वापस ऑन हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो इसे हम वापस ऑफ कर देते हैं यहाँ से। तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया है, स्टॉप कर दूंगा मैं यहाँ पे, और एंड लाइव स्ट्रीम स्टॉप। तो गाइज आपने देखा कि इस प्रकार आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो और एजुकेशन वीडियो भी बना सकते हो। और अगर आप कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो गाइज आपको अगर एजुकेशन सेटअप से कुछ भी वीडियो या कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी पूछना हो, तो मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे काइन मास्टर से एडिटिंग कैसे करें, एजुकेशन वीडियो के थंबनेल कैसे लगाए, टाइमर कैसे लगाए, मोनेटाइज कैसे करें, जो भी आपको डाउट जो भी परेशानी है वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट से ही वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।